पंजाब के मशहूर सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर परमीश वर्मा पर कल देर रात जानलेवा हमला हो गया। शुक्रवार की देर रात कार सवार बदमाशों ने परमीश वर्मा पर गोलियां चला दी। गनीमत ये रही कि हमले में परमीश वर्मा और उनके साथ कार में सवार दोस्त को गोली के छर्रे लगने से हल्की फुल्की चोटें ही आई हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें रात 12:30 बजे के करीब ये सूचना मिली थी कि परमीश वर्मा पर हमला हो गया है। उन्होंने बताया कि हमलावर सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी में आया था और उसने परमीश वर्मा की टांग में गोली मारी। उनका कहना है कि परमीश वर्मा की सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसके आधार पर वह आगे की कार्रवाई करेगी। कल 12:30 बजे जब मुझे पहला इनका पर्सनल फोन इनका आया था, तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे किसी ने गोलियां चला दी। इमीडिएटली हम स्पॉट पे पहुंच गए थे और हमने जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये है कि उनके टांग में गोली लगी। किसी अननोन कोई वाइट कलर की क्रेटा गाड़ी वह आई थी और एकदम गाड़ी इनके आगे लगा के और उन्होंने एकदम फायरिंग स्टार्ट कर दी। वी गोट सम क्ल्यू, वी गोट सम सीसीटीवी फुटेज आल्सो, उस पर वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वी विल डू दैट।